बाकी वो सामने टक्शा इधर झूले वगैरह लगे हुए हैं। यार मैंने काफी देर तो गाइस फाइनली बाय। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बाल वगैरह यार मेरे ख़राब हैं क्योंकि टोपी वगैरह पहनी हुई थी, टोपी उतारी है। तो बाकी यार आज संडे है, तो बाकी आज मेरे कपड़े शपड़े आप देख सकते हो, कलर करके आया हूँ मैं आज। नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं, कपड़े कुछ ऐसे ग्रीन थे, उनमें डॉट वगैरह। तो बाकी जो है ना आज संडे है, तो मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। तो आज मैंने कहा ओल्ड इज़ गोल्ड करते हैं, मैंने कहा पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, पार्क में चलते हैं, वहाँ का आपको विज़िट करवाता हूँ। तो वहाँ कुछ मसला भी बना हुआ था पहले ना, ये पोस्ट वगैरह लगी हुई थी कि जानवरों को बांध वगैरह के लेके ना बकर वाली साइड पर जा रहे हैं, बकर पार्क खाली करके जा रहे थे, वो भी इशू बना हुआ था। पता नहीं मुझे सही बात का नहीं पता, वह वीडियो वगैरह देखी है वही मैंने आपको बताया, बाकी फुल बात का मुझे नहीं पता। चलते हैं उधर जाके आपको विजिट करवाते हैं। तो चलते हैं तो पार्क में मैं एंटर हो चुका, तो अब ओल्ड इज गोल्ड करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी स्टार्ट वाली नहीं बनाई हुई वीडियो वगैरह, तो इधर आप चेक कर सकते हो माशाल्लाह। यहीं पे मेरा एक थंबनेल भी था पार्क का, तो ये हिरन थी, पता नहीं यही थी लेकिन इसी पार्क की थी इतना मुझे पता, इनमें सही थी कोई, बाकी तो आज आगे भी कोई और है, यही होगी शायद। तो इसे चोट वगैरह भी लगी हुई है, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो बाकी पिछले दिनों में इधर कोई मसला भी बना हुआ था, पता नहीं जानवर वगैरह बांध के ना पता नहीं कहाँ ले कर जा रहे थे, कोई ऐसे मसला था सही, मुझे भी अभी फुल बात नहीं पता, ऐसे मसला था। बाकी एक उधर, बाकी ये भी है छोटा बच्चा है ये, बाकी ये भी है दो, ये भी है एक, वो आगे भी खड़ी है, इसके बाद आगे को चेंज हो जाती है वो दूसरी आ जाती है आगे। बाकी यार ये वाली आ जाती है, इनको और नस्ल की है माशाल्लाह, ये भी बड़ी प्यारी है। इधर भी है, ये भी कितनी है, पांच है इधर भी। बाकी आगे कोई और आ गई है फिर, बारह से नहीं नहीं कोई और ही है, ये देख सकते हो ब्लैक कलर की है, पता नहीं कौन सी है ये, मोबाइल जो है ना फोकस नहीं पकड़ रहा, ये देख। तो बाकी आगे पेंदे वगैरह भी हैं, वो अभी कपड़ा वगैरह हटा रहे क्योंकि सर्दी थी ना, तो इस वजह से। अरे ये तीन है, एक वो भी अभी आ गई है ना, एक ये है, एक वो ब्लैक वाली और एक वो, ये तीनों ही घूम रही है वाले, एक वो ये मुझे देख रही है। बाकी ये आगे दो और है, पता नहीं दो ही है या ज़्यादा है, बाकी वो अंदर ना गई है सर्दी की वजह से, शायद दो ही हैं। तो ये भी आई है, काफ़ी बड़ी हुई पड़ी है मेरे ख्याल से, लेकिन मोबाइल काम का ख़राब है, अब थोड़ी सी नज़र आई है जैसे भी देख सकते हो। ये मंदिरों का सिस्टम है आपको, अगर पिछली वीडियो कोई मेरा रेगुलर देख रहा हो तो उसे पता चल गया होगा, बाकी जो फतेहपुर की देखते हो उन्हें तो वैसे ही पता है। तो बाकी ये वो काफ़ी देर से खाली है, इधर कोई भी नहीं है, तो बाकी सर्दी से आता रहा, और ये एक बैठा हुआ है ये सामने, आपको पास जा कर दिखाता हूँ। लेकिन अब जो है ना काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, कभी भी काफ़ी पुराने कटे हैं, जानवर वगैरह आता नहीं है, तो इस वजह से। और उधर एक भाई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, हेलो ओ भाई जान, हेलो 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 ओ भाई, ओए सर्दी लग रही मेरे ख्याल से क्योंकि कंप ही जा रहा है सर। हेलो ओ भाई, ओए ओए चोट वगैरह लगी हुई है ना इसी वजह से, नाक फटा हुआ है आगे, उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब है इसी वजह से ढीला हुआ है। जैसे सेहत देख, क्योंकि जानवरों का भी हमें इधर वाइल्ड लाइफ वाले इन्हें कौन सा इतना ख्याल वगैरह रखते नहीं, तो
पता नहीं इसे कितनी देर से चोट वगैरह लगी हुई है, ना इसकी कोई मेडिसिन वगैरह लगी हुई है, क्या रहा तड़प ही जा रहा है। लेकर क्योंकि ये हमें बता तो नहीं सकते क्योंकि हम इनकी ना बात समझ सकते और ना ये हमारी समझ सकते, बल्कि ये हमारी समझ सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हम इनकी आवाज़ नहीं ना हमें पता है, हम तो देखने से ही पता चलता है कि इन्हें क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, तो बाकी ख्याल करना चाहिए। खैर अल्लाह से दे। और एक यार वो सामने भी बाहर आया, उससे भी अभी देख रहे हैं, दूसरी साइड में फैमिली वगैरह है, तो मैंने कैसे जाके वीडियो ना बनाऊँगा, ऐसे बंदा अच्छा नहीं लगता। तो खैर वो अभी चले जाए ना, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो भी बंदा। इधर झूले वगैरह लगे हुए हैं, ये चेक कर सकते हो आप माशा, तो धूप वगैरह भी निकलने का नाम ही कहाँ नहीं है, सूरज ही नहीं है बिल्कुल भी ना। तो यार मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, 1 घंटा 1.5 हो गया मुझे, तो 1.5 घंटा नहीं हुआ बल्कि 15-20 मिनट हो गया, तो वो जा नहीं रहे मेरे ख्याल से, तो इस वजह से ना मैं चलते हैं इधर से। बाकी वैसे ही बंदर है वो भी बैठा ही है, उसे भी कुछ हुआ होगा बेचारे। खैर दूसरी साइड पे चलते हैं, उधर भी आके आपको मैं विजिट वगैरह कराता हूँ, परिंदे वगैरह भी रहते हैं वो भी आपको। यार ये देखो कितनी चलते हुए बड़ी प्यारी लग रही है, वो आपसे प्यारा था इधर खड़ी हुई थी अभी टायर के उस साइड पे चल। बाकी इधर ये छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है नीचे, ये देख मोबाइल है काफ़ी बुला रहा, सही पता नहीं चल रहा। बाकी वो चले चीज़ें डर के घर आगे जाके आपको मैं दिखाता कि ये इधर रूम वगैरह बना हुआ है सर्दियों में, क्योंकि जब इधर जो काम वगैरह करते हैं वो रहते हैं ना, तो वो फिर इधर स्टे करते हैं रात को, क्योंकि सर्दी होती है, गर्मी हो तो वैसे बाहर चार पाई मतलब पंखा वगैरह लगा के उधर सीधे हो जाए। बाकी यार ये सामने आ गए दूसरे जो परिंदे वगैरह के थे ना केज वगैरह, तो ये भी आपको मैं भी दिखाता हूँ इसके अंदर क्या। काफ़ी दिन हो गए, मैंने भी लास्ट बार तो 1-2 महीने हो गया तब आया था। तो ये पहला केज है इसके अंदर, ये पता नहीं क्या सुरखाब है, शाही सुरखाब ही आई थिंक, क्योंकि मैंने शहर में थे हजारों की वीडियो देखी थी, उनके पास भी था ऐसा ही कोई सिस्टम, मुझे तो वही लग रहा है। खैर जो भी है आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। तो बाकी दूसरे केज में चलते हैं इधर के सामने, ये भी दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है जी। इसके अंदर जी मोर हैं बहुत ही प्यारे प्यारे माशाल्लाह, लेकिन इनकी जो है ना वो पूछ पर वगैरह जो है ना वो नहीं है, वो मेरे ख्याल से इनका कोई मौसम वगैरह होता है तो तब आते हैं, या इन्होंने काट वगैरह दिए कोई पता नहीं मुझे। ये देखो माशाल्लाह, तो तीसरे केज में चलते हैं, तीसरे में पता नहीं अब क्या, तीसरे में मेरे ख्याल से तो वाइट मोर होंगे। बिल्कुल सही कहा, वाइट मोर है लेकिन है एक ही है, ये पता नहीं दूसरा किधर गया है। इसकी थोड़े से पर वगैरह है माशाल्लाह, ये भी बड़ा प्यारा है, और ये काफ़ी बूढ़ा हो गया, इसकी शक्ल से मुझे ना पता चल गया क्योंकि बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, जब का ये पार वगैरह बना हुआ ना तब के, लेकिन है कि दूसरा मेरे ख्याल से मर वगैरह गया कोई पता नहीं। बाकी आगे ये मुझे आज तक नहीं पता लगा इनका क्या नेम है, पता नहीं इन्हें क्या कहते हैं, पतली पतली टांगों वाली, मुझे इनका नाम नहीं अब याद आ रहा, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना। तो बाकी परिंदे वगैरह अभी यहीं पे हैं, बस चार के थे ख़त्म हो गए, तो पहले तो काफ़ी तोते वगैरह भी थे अंदर, वो पता नहीं अब सब ख़त्म वगैरह हो गया ना, काफ़ी पुराना तो है, बस चार के एरिया। तो बाकी इधर ये पौधे वगैरह लगे हुए हैं, वो मेन इंटरेस्ट है वो सामने वाले, बाकी वो सामने टक शॉप है जो कि काफ़ी सालों से बंद हो गई, चलती नहीं है अब, क्योंकि ये पौधों वगैरह का जो है ना खाना वगैरह बना हुआ है, पौधे पानी वगैरह जाता है ना इधर सारे पार्क को, फिर पौधे वगैरह को मिल जाते हैं। तो ये भाई सामने सफाई वगैरह कर रहे हैं, ये टक शॉप है लेकिन ये चलती नहीं है, 4-5 साल पहले ये चलती होती थी, शाम को बस 1.5 घंटा ओपन होती थी, तो अब तो बस ऐसी बंद पड़ी है कोई पता नहीं है शाम में। तो वो सामने ट्यूबवेल वगैरह भी है, स्विमिंग पूल छोटा सा बना हुआ है, मतलब कि जो पानी वगैरह देना होता है ना ये सब पौधों, ये मेरे ख्याल से न्यू वगैरह लगे हुए हैं ये सारे जो है ना,
एक जैसे ही है, ये मेरे ख्याल से न्यू है। तो बाकी ये काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है ये भी, क्योंकि पहले इसके अंदर नहाते भी थे, सब सफाई वगैरह रखते थे, लेकिन अब बस पानी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो अंदर फंजाई देखो कैसे लगी हुई है, गंदगी, आए हाय, काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है ना सारा, क्योंकि अब नहाना वगैरह तो होता नहीं है, तो जिसने नहाना था वो इसके अंदर ही नहा लेते हैं। तो बाकी पानी वगैरह देना होता है वो तो फिर ऐसे भी चल जाता है काम सारा। खैर आगे चलते हैं, आगे कुछ है नहीं, वह पौधे वगैरह ही लगे हुए हैं सारे, ये सारे पौधे वगैरह ही उठ रहे हैं। ट्रांसफार्मर में एक लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल से ट्यूबवेल वगैरह का ही है ना, इधर पार्क का ही है। तो बाकी सारे पौधे वगैरह ही हैं और कुछ है नहीं, सामने चेक कर सकते हो। और वो सामने रूम वगैरह बने हुए हैं मेरे जो रहते हैं ना इधर ख़ास मेहमान, उनके लिए वो पानी का भी सिस्टम है, पानी वगैरह भी पी सकते हैं आप। बाकी है नहीं यार कुछ इधर, बाकी यहीं पे खड़े हो गए, आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, वीडियो को लाइक भी लाजमी कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, कोई ओल्ड इज गोल्ड ही करेंगे। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।